नमस्कार, मेरा नाम है हरभजिंदर। स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम SQL का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की का क्या मतलब रहता है SQL के अंदर और फॉरेन की का क्या मतलब रहता है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी की बात करें। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड इन अ टेबल दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम फील्ड्स। सिंपल बात है भाई, हर एक टेबल के अंदर, जैसे मैंने अभी एक टेबल्स बनाए हैं दो SQL के अंदर, MS Access के अंदर, इसमें एक प्राइमरी की है, एक फील्ड है जिसको हमने एज ए प्राइमरी की डिफाइन किया है। तो इसकी जो सबसे पहली कंस्ट्रेंट ये रहता है कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि मैंने 201 एंटर कर दिया, तो दोबारा कहीं भी आपको 201 एक्सेप्टेबल भी नहीं रहेगा। अगर मैं दोबारा से एंटर करने की कोशिश भी करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, आपको अभी वैसे ही दे रहा है एरर, बिकॉज ये डुप्लीकेट वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, और इसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। सपोज इसको ब्लैंक कर देता हूँ तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको भरनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट इसमें जीरो आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू इसमें एंटर करनी ज़रूरी होगी। तो ये कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है आपके रिकॉर्ड। मान लो एक नाम के, जैसे हेनरी नाम के दो स्टूडेंट भी क्लास में हो सकते हैं, तो दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी आईडी है वो यूनिक रहेगी। ये यूनिकली रिप्रेजेंट करता है पूरे रिकॉर्ड को। तो ये रहता है प्राइमरी की का महत्व। मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपके नाम से बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं बैंक में, लेकिन आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो यूनिक रहेगा, जो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, दैट विल बी आप प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का ये मेन महत्व रहता है कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, यूनिकली पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी मैं दूसरा टेबल दिखाऊँ आपको सब्जेक्ट का, तो इसमें भी मैंने एक अलग से टेबल बना रखा है। इसमें प्राइमरी की सब्जेक्ट आईडी दे रखा है, मतलब एक सब्जेक्ट को जो एक बार कोड असाइन कर दिया, जो सब्जेक्ट को आईडी अपने असाइन कर दी, वो दोबारा से सेम आईडी आप किसी और सब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं, और ये यूनिक रहेगी और कम्प्लीटली आपके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो आगे बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की इज़ अ फील्ड और अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड द रेफरेंस और पेरेंट टेबल। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ प्रैक्टिकली। मान लो मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप डेटाबेस और टूल्स में रिलेशनशिप में जाते हैं, मैं दोनों टेबल्स एक बार ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट्स डिटेल्स और सब्जेक्ट। तो जब मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भर रहा था, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखने की बजाय सब्जेक्ट की आईडी मेंशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं वहाँ पे 103 लिख रहा हूँ, तो दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट की आईडी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इसकी रेफरेंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि ये जो आपका सब्जेक्ट की आईडी है, तो यहाँ पे इसकी रेफरेंस यहाँ से लेनी है सब्जेक्ट के टेबल में से। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया आपके सामने, वन टू मैनी। ये वन और ये मैनी मीन्स एक सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे टेबल खोलता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि जो अभी दोबारा से बंद करके अगर हम खोलें, तो एक चेक करते हैं, तो ये देखें कि जो लैम है उसने सब्जेक्ट लिया 101। तो 101 सब्जेक्ट कौन सा है, तो 101 का मतलब है होम साइंस। तो हम देखें कि होम साइंस कौन कौन से स्टूडेंट ने ऑप्ट किया हुआ है, तो आपको रिलेशनशिप की वजह से पता चल जाएगा। लैम एंड जेम्स ने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। म्यूज़िक वोकल विलियम एंड थेडोर ने ऑप्ट किया है। तो एक सब्जेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये बच्चों, अगर आप देखें तो रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के टेबल में ये फॉरेन की रहेगी, और सब्जेक्ट के टेबल में ये प्राइमरी की रहेगी। मीन्स ये आपका जो सब्जेक्ट टेबल है, ये पेरेंट टेबल है, और ये रेफरेंस पे टेबल है स्टूडेंट्स, जिसको आप चाइल्ड टेबल भी कहते हैं। तो इस फील्ड को हमने इसके साथ अटैच किया। यहाँ पे ये फॉरेन की का रोल प्ले कर रही है। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ऑप्ट किया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की है। यहाँ पे एक बार जिस सब्जेक्ट को आपने आईडी साइन कर दी, वो सेम आप दोबारा से नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की का रोल प्ले कर रही है। मान लो मैं आप सब्जेक्ट टेबल आप देखें, तो यहाँ पे 101 से लेके 108 तक
आपने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इफ मैं यहाँ पे किसी सब्जेक्ट को 108 की जगह 109 असाइन करना भी चाहूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रेफरेंस्ड जहाँ से आपने रेफरेंस लिया वहाँ पे 109 नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये इन्फोर्स इंटीग्रिटी हो जाती है। इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स रेफरेंस जहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हैं, जिस टेबल की आप रेफरेंस दे रहे हैं कि सब्जेक्ट का कोड, वहाँ से मैच करके आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसमें ये एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट भी लगाया कह सकते हैं। जब आपने देखा था जब हम डाटाबेस टूल्स में रेफरेंशियल कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को किया था। तो यहाँ पे ये मैंने साथ में ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली थी, कास्केड अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो इससे ये बेनिफिट रहता है कि आप अगर मान लो ये सब्जेक्ट है 107 सब्जेक्ट ही हमने ख़त्म कर दिया, तो मैं वहाँ से उठा देता हूँ इस सब्जेक्ट में से 107 ही उठा देता, राइट क्लिक करके डिलीट कर। तो आप देखोगे दोबारा से अगर टेबल को खोल के आप देखोगे तो 107 के रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गए, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं आप टेबल, जहाँ से आप रेफरेंस जहाँ की आप रेफरेंस दे रहे हैं जिस टेबल की, उसमें वो सब्जेक्ट का कोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो जो रेफरेंसी टेबल है जो चाइल्ड टेबल है वहाँ से वो उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि ये पेरेंट टेबल के लिए ये प्राइमरी की है, और जो आपका चाइल्ड टेबल है वही जहाँ पे आपने रेफरेंस देनी है कि उस टेबल की, तो वहाँ पे ये यहाँ पे आके फॉरेन की का प्ले रोल प्ले कर रही है, ये एक नहीं एक से ज़्यादा फील्ड भी हो सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट आपका प्राइमरी की और फॉरेन की का, होपफुली आपको इसको अच्छे से समझा गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।